इसराइल ईरान युद्ध के बीच तुर्की पर बुधवार को आतंकी हमला हुआ। यह हमला तुर्की की राजधानी अंकारा में रक्षा कंपनी तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय पर किया गया। आतंकवादी हमले में 10 लोग मारे गए और इस हमले को 3 आतंकियों ने अंजाम दिया। इसमें एक महिला आतंकी भी शामिल थी। सुरक्षा बलों ने महिला आतंकी समेत 2 हमलावरों को मार गिराया। सीसीटीवी फुटेज में पीठ पर बैग लटकाए एक महिला आतंकी को भी असॉल्ट राइफल चलाते देखा जा सकता है। यह हमला तुर्की की रक्षा कंपनी पर हुआ। कुछ ही देर में तुर्की के जवानों ने एक महिला और एक पुरुष आतंकी को मार गिराया। सबसे अहम बात यह है कि हमले की टाइमिंग काफी सोच समझ कर चुनी गई। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान इस वक्त देश में मौजूद नहीं है। वे ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए ही बुधवार को रूस पहुंचे। ऐसे में माना जा रहा है कि काफी प्लानिंग के साथ ये हमला किया गया। आपको बता दें कि आतंकी हमले के बाद इस हमले का बदला तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने ले लिया है। तुर्की की वायुसेना ने बुधवार को इराक और सीरिया में कुर्दिश आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। तुर्की ने पड़ोसी देशों सीरिया और इराक में जमकर एयर स्ट्राइक की। फोटो के साथ अंकारा में हुए इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक महिला को हाथ में राइफल लिए हुए देखा जा सकता है। इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक फोटो जो महिला की है वो वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि ये वही महिला है जिसने अंकारा में गोलीबारी की। दावे के मुताबिक इस महिला की पहचान फराह करीम के रूप में हुई है, जो एक कुर्द मुस्लिम है। इसी तरह के कैप्शंस के साथ महिला की ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि फोटोज जो वायरल हो रही है वो किसी असली महिला की नहीं बल्कि एक वीडियो गेम की एक किरदार फराह करीम की फोटो है। हालांकि पत्रिका किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। मिली जानकारी के अनुसार तुर्की में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी पीकेके ने ली है। आपको बता दें कि पीकेके एक उग्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1978 में अब्दुल्ला ओकलान ने तुर्की में कुर्दों के लिए ज्यादा राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार हासिल करने के उद्देश्य से की थी। शुरू में मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा वाले पीकेके ने एक अधिक राष्ट्रवादी आंदोलन का रूप ले लिया। इस समूह ने 1984 में कुर्द स्वायत्तता के लिए लड़ते हुए सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की राज्य के साथ एक लंबा खूनी संघर्ष हुआ जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। पीकेके गुरिला युद्ध की रणनीति का उपयोग करता है, तुर्की सैन्य और नागरिक स्थलों को निशाना बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका।